So in the today's topic, we will discuss about the XML schema. So in the last session, we have to discuss about the DTD file. DTD file एक external file रह सकती है या internal भी हम DTD add कर सकते हैं XML file के अंदर. So there are two types of external DTD. Basically, they can refer with either system identifier and पब्लिक आइडेंटिफायर. जो एक्सटर्नल डीटीडी हम यूज़ करते हैं उसको हम सिस्टम आइडेंटिफायर करके भी रेफर कर सकते हैं, आइदर पब्लिक आइडेंटिफायर करके भी रेफर कर सकते हैं. जैसे कल के एग्जांपल में हमने एक्सटर्नल डीटीडी जो क्रिएट की थी उस वक्त हमने उसको जो एक्सएमएल फाइल में हमने जब उसको इम्पोर्ट किया था देन वी यूज सच टाइप ऑफ टैग. ये टैग हमने यूज़ किया था. ओके डॉक टाइप देन नेम मीन्स आपका जो भी इसका नाम है आपका जो रूट है रूट एड्रेस जो है उसका नाम आपको यहाँ पे देना है. देन सिस्टम ये वर्ड हमने यूज़ किया था. देन गिव द नेम ऑफ डीटीडी फाइल. डीटीडी फाइल का नाम हमने यहाँ पे स्पेसिफाई किया था. सो दिस इज कॉल्ड अ सिस्टम आइडेंटिफायर. सो अ सिस्टम आइडेंटिफायर अनेबल्स यूज टू स्पेसिफाई द लोकेशन ऑफ एक्सटर्नल फाइल कंटेनिंग डीटीडी डिक्लेरेशन एंड सिंटैक्स इज एज फॉलोज. तो ये सिमिलर सिंटैक्स हमने कल के एग्जाम्पल में यूज़ किया था. सो एज यू कैन सी इट कंटेन द कीवर्ड सिस्टम. इसमें आपको एक सिस्टम कीवर्ड दिख रहा है एंड यू कैन ऑल्सो रेफर सम यू आर एल. हम यहाँ पे कुछ यू आर एल भी हम यहाँ पे रेफर कर सकते हैं, लिख सकते हैं. सपोज यू वॉन्ट टू एड सम यू आर एल, यू वॉन्ट टू एक्सेस सम एक्सटर्नल फाइल. एखादी एक्सटर्नल फाइल आपको एक्सेस करनी है बाई यूजिंग सम यू आर एल रेफरेंस, तो वो भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं. देन दिस इज द सिस्टम आइडेंटिफायर. एंड पब्लिक आइडेंटिफायर मीन्स वॉट? पब्लिक आइडेंटिफायर्स प्रोवाइड द मेकेनिज्म टू लोकेट डी टी डी रिसोर्सेज एंड इज रिटर्न एज फॉलोज. सो द सिंटैक्स इज लाइक दैट. अगेन यहाँ पे हमें डॉक टाइप देन नेम पब्लिक कीवर्ड यहाँ पे यूज़ करना है. फिर यहाँ पे डबल कोटेशन में आपको ये कुछ इस तरीके का एक रिसोर्स ऐड किया हुआ दिख रहा है. ठीक है, बिगिनिंग एक्सएमएल डीटीडी एड्रेस एग्जांपल एंड ईएन. अब ये क्या है? सो एज यू सी इट बिगिंस विद द कीवर्ड पब्लिक फॉलोड बाय द स्पेसिफाइड आइडेंटिफायर्स. सो इट इज़ नथिंग बट अ आइडेंटिफायर. पब्लिक आइडेंटिफायर इज यूज टू आइडेंटिफाई एन एंटिटी इन कैटलॉग. पब्लिक आइडेंटिफायर कैन फॉलो any format, however is commonly used format called as formal public identifier, जिसे हम FPI कहते हैं. So it is rarely used. Public identifier जो है वो rarely used किया जाता है. So there are two way to access the external DTD in XML file. तो पहला system identifier and second one is the public identifier. पब्लिक आइडेंटिफायर में हम यहाँ पे एक एक्सटर्नल रिसोर्स डी टी डी फाइल का जो एक्सटर्नल रिसोर्स है वो हम यहाँ पे ऐड करते हैं एज आइडेंटिफायर. और यहाँ पे हमें एक्सटर्नल फाइल जो है डी टी डी उसका एड्रेस हमें यहाँ पे मेंशन करना रहता है एज अ एड्रेस एड्रेस ऑफ द फाइल या फिर नेम ऑफ द फाइल विद एक्सटेंशन या फिर यू आर एल रेफरेंस के थ्रू. सो दीज आर द सिस्टम आइडेंटिफायर एंड पब्लिक आइडेंटिफायर ऑफ डी टी डी. देन लेट्स कम टू द पॉइंट ऑफ एक्सएमएल स्कीमा. XML schema and DTD, ये दोनों में क्या डिफरेंस है वो हम देखेंगे. सो स्कीमा इज नथिंग बट द स्ट्रक्चर ऑफ योर फाइल. आपके फाइल का स्ट्रक्चर उसे हम स्कीमा कह सकते हैं. जस्ट लाइक एन डेटाबेस में हम टेबल को एक स्कीमा करके हम रेफर करते हैं, टेबल स्ट्रक्चर देन या फिर स्कीमा. ठीक है, ऑब्जेक्ट स्कीमा या टेबल स्कीमा. सो स्कीमा इज नथिंग बट अ स्ट्रक्चर ऑफ योर डॉक्यूमेंट. हम यहाँ पे अगर बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा डेटाबेस जो है या कंटेंट्स जो है इट इज़ कॉल्ड एज अ डॉक्यूमेंट. वो डॉक्यूमेंट्स है. और एक्सएमएल में हम देखते हैं कि हम डेटा को डिस्क्राइब कर रहे हैं. ठीक है, वी डिस्क्राइब द ऑल डेटा इन योर ओन लैंग्वेज. हम हमारे लैंग्वेज में हमारे खुद के ओन टैग्स हम क्रिएट कर रहे हैं, डेटा को डिस्क्राइब कर रहे हैं. सो जो भी डेटा स्ट्रक्चर हम डिस्क्राइब कर रहे हैं इट इज़ नथिंग बट अ स्कीमा, XML schema. और वो हम XML file में create कर रहे हैं, that's why it is called as XML schemas. A schema is any type of model document that defines the structure of something such as database structure or the document. Here something is XML document. Actually DTD are the type of the schema. So हम ये कह सकते हैं कि DTD is nothing but
वन ऑफ द टाइप ऑफ द स्कीमा, क्योंकि डीटीडी में हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहे हैं, हम ओन यूजर डिफाइन ओन टैग्स क्रिएट कर रहे हैं डीटीडी के फॉर्म में। डीटीडी में हम क्या करते हैं, इसके पहले के एग्जाम्पल में हमने देखा था कि डीटीडी में हम जैसे यहाँ पे ये हमारी डीटीडी फाइल है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एड्रेस इज द रूट एलिमेंट, देन नेम कंपनी एंड फोन आर द एट्रीब्यूट्स। ओके, तो एड्रेस ये रूट एलिमेंट हो गया और ये नेम कंपनी एंड फोन उसके एट्रीब्यूट्स हो गए। इवन दैट इसके क्या है, ये टाइप्स है, ठीक है, कॉमन, ये बेसिकली यहाँ पे डिफॉल्ट टाइप जो है पीसी डेटा हम यहाँ पे लिखते हैं, तो ये टाइप हो गया उस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट का। सो इट इज जस्ट काइंड ऑफ द स्ट्रक्चर वी आर डिफाइनिंग इन द डीटीडी फाइल। डीटीडी फाइल में हम एक डेटा स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं, भाई एड्रेस नाम का कोई एक एंटिटी है और उसके ये एट्रीब्यूट्स हैं, नेम कंपनी एंड फोन। सो उसी स्ट्रक्चर को हम कह सकते हैं डॉक्यूमेंट, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्यूमेंट, स्ट्रक्चर ऑफ XML डॉक्यूमेंट। सो एक्चुअली डीटीडी इज अगेन नथिंग बट वन ऑफ द स्कीमा। सो XML स्कीमा इज एन XML डॉक्यूमेंट, सो इट कैन पार्स इट कैन पार्स विथ एन XML पार्सर। द टर्म XML स्कीमा इज यूज टू रेफर टू स्पेसिफाई W3C XML स्कीमा टेक्नोलॉजी। तो ये W3C, इसका स्टैटिक में ही बताया था कि ये क्या है, इसने डेवलप किया है XML को, ठीक है, XML इज डेवलप्ड बाय द W3C, ठीक है। W3C का लॉन्ग फॉर्म भी बताया था लास्ट टाइम, WWW कम्युनिटीज करके कुछ है, ठीक है, तो ये उसका एक लॉन्ग फॉर्म था हमारे W इसका DTD का, WWW कंसोर्टिज्म इज द W3C। तो WWW यानी थ्री टाइम्स WWW वर्ल्ड वाइड वेब है, इसलिए वहाँ पे उसको W3 कहा गया है, एंड W3C कंसोर्टिज्म। तो इट इज़ नथिंग बट वन ऑफ द कंपनी हम जिसे कह सकते हैं जिसने XML फाइल को क्रिएट किया है, डेवलप किया है। सो द टर्म XML स्कीम is used to refer to specify W3C XML schema technology. W3C XML schema like the DTD allow you to describe the structure of XML document. तो हम XML schema में XML document का structure define कर सकते हैं। So here you have two choices. आपके पास दो choices है, either you can create DTD file, हम DTD file भी create कर सकते हैं, या फिर either we have to create XML schema. And in both the file, दोनों files में क्या है, डिस्क्राइबिंग द डेटा स्ट्रक्चर ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन। आप जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर करना चाहते हो, जो इंफॉर्मेशन आप क्रिएट करना चाहते हो, डिस्क्राइब करना चाहते हो, उस इंफॉर्मेशन का पूरा स्ट्रक्चर आप ये दोनों फाइल में डिफाइन कर रहे हो, डिस्क्राइब कर रहे हो, ओके, आइदर DTD या फिर XML स्कीमा। बट देर आर सम वेरिएशंस इन बोथ ऑफ द फाइल, दोनों फाइल में कुछ वेरिएशन है, वो क्या है हम आगे जाके देखने वाले हैं। सो विद द XML स्कीमाज यू हैव मोर पावर to define what valid XML document look like, then have several advantages over the DTD. So, अगर हम कहते हैं कि there are two way to describing the data, one is the DTD and second one is the XML schema. अगर दोनों भी एक जैसे ही है, एक ही काम करते हैं, डेटा डिस्क्राइब करने का, डेटा स्ट्रक्चर डिफाइन करने का, तो उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंसेस भी हो सकते हैं। सो व्हाट आर दे, क्या एडवांटेजेस है XML स्कीमा के ओवर द DTD, ये हम देखेंगे। The first advantage is XML schema use the XML syntax. ठीक है, XML schema XML syntax का use करता है। In other word, XML schema is an XML document. That means you can process the schema just like the other document. For example, you can write an XSLT style sheet that convert the XML schema into the web form complete with automatically generate the JavaScript code that validates the data as you enter. So whenever you have to define some cascading style sheet on your XML file, जब भी आपको XML फाइल पे cascading style sheet apply करनी रहती है, then in that case you have to write some XSLT, ठीक है, ये style sheet language है, ठीक है, XSLT, तो ये स्टाइल शीट हम
डिफाइन कर सकते हैं एक्सएमएल स्कीमा में कि आपको जो भी वैलिडेशंस अप्लाई करने हैं आपके वेब पेज पे, जो जो भी डेटा या इंफॉर्मेशन आप डिस्क्राइब करना चाहते हो उसके ऊपर कुछ वैलिडेशंस परफॉर्म करने हैं, तो उसमें आप एक्सएमएल स्कीमा के अंदर आप कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स डिफाइन कर सकते हो। सेकंड वन इज द एक्सएमएल स्कीमा यूज द, ये हो गया है फर्स्ट हमारा। सेकंड वन इज द एक्सएमएल स्कीमा सपोर्ट्स डेटा टाइप्स। अगेन इट इज़ वन ऑफ द एडवांटेज। यहाँ पे हमने जैसे डीटीडी में देखा है कि डेटा टाइप उसमें नहीं है, कॉमनली हम वहाँ पे पीसी डेटा करके हम उसको रेफर करते हैं। इट इज़ नथिंग बट अ टेक्स्ट डेटा, टेक्सचुअल डेटा। तो वहाँ पे अगर आपका इंटीजर टाइप डेटा हो या फ्लोटिंग टाइप हो या वॉट एवर जो भी डेटा है, डेट टाइम हो वॉट एवर, तो हम सबके लिए एक कॉमन डेटा टाइप हम वहाँ पे रेफर करते हैं पीसी डेटा डीटीडी फाइल में। बट यहाँ पे एक्सएमएल स्कीमा के अंदर डेटा टाइप सपोर्ट्स किए जाते हैं। सो व्हाइल डीटीडी डू नॉट सपोर्ट्स डेटा टाइप, इट क्लियर दोज डेटा टाइप्स वेयर डेवलप्ड फ्रॉम द पब्लिशिंग परस्पेक्टिव। एक्सएमएल स्कीमाज सपोर्ट्स ऑल द ओरिजिनल डेटा टाइप्स फ्रॉम द डीटीडी, थिंकिंग थिंग्स लाइक आईडी एंड द आईडी रेफरेंसेस। दे ऑल्सो सपोर्ट्स इंटीजर टाइप, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, डेट टाइम, स्ट्रिंग्स, URL and other data type useful in the data processing and validation operation. तो जो भी data processing या validation operation के लिए जो भी data types हमें ज़रूरी है वो पूरे data type support करता है XML schema, जो DTD file में नहीं होता था। Then third advantage of XML schema are extensible. ये एक extensible language है, extensible language. In addition to the data types defined in the XML schema specification, you can also create your own and can derive new data types based on the other data types. So extensible का मतलब ये होता है कि जैसे XML file is the extensible file, XML is the extensible. Why it is extensible? Because in XML file you can create your own tags. हम अपने खुद के tags को define कर सकते हैं, इसलिए उसको extensible कहा गया है। वैसे ही अगर हम कुछ नए ओन डेटा टाइप्स क्रिएट करना चाहते हैं तो हम XML स्कीमा के अंदर वो चीज़ कर सकते हैं, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज एक्सटेंसिबल। XML स्कीमास हैव मोर एक्सपेंसिव पावर, एक्सप्रेसिव पावर सॉरी XML स्कीमास हैव मोर एक्सप्रेसिव पावर। फॉर एग्जाम्पल विथ XML स्कीमा यू कैन डिफाइन दैट द वैल्यू ऑफ एनी स्टेट एट्रीब्यूट कैन बी लॉन्गर दैन टू कैरेक्टर, और that the value of any postal code element must match the regular expression. So here you can define the regular expression in XML schema file. XML schema file में आप regular expression define कर सकते हो। Regular expression means what? Regular expression means there is one of the syntax for particular field. किसी particular field के लिए हम कोई एक predefined syntax define कर रहे हैं। जैसे for example email address अगर हम लेते हैं तो email address के लिए एक पर्टिकुलर सिंटैक्स ही है। जैसे हम वहाँ पे जो भी नया ईमेल एड्रेस जनरेट करते हैं तो वो किसी नाम के साथ उसमें स्पेशल कैरेक्टर्स रहते हैं, अंडरस्कोर या डॉट रहता है, उसके बाद एट साइन भी रह सकता है, नंबर ऑफ डिजिट्स पे रह सकते हैं, एंड देन यू डिफाइन वन एट साइन, एंड देन उसके बाद हम वहाँ पे जो भी अकाउंट हमें क्रिएट करना है, जीमेल अकाउंट क्रिएट करना है तो gmail.com, या फिर रेडिफ मेल अकाउंट क्रिएट करना है तो rediffmail.com, याहू अकाउंट क्रिएट करना है तो yahoo.co.in.com, ऐसे हम डिफाइन करते हैं। सो देर इज़ सम पर्टिकुलर सिंटैक्स फॉर दैट पर्टिकुलर फील्ड, उस पर्टिकुलर फील्ड के लिए वो एक सिंटैक्स ही है, ठीक है, इट इज़ नथिंग बट अ सिंटैक्स, क्योंकि वो उसी तरीके से हमें डिफाइन करना है, उसमें हम कुछ भी गड़बड़ नहीं कर सकते हैं, उसे रेगुलर एक्सप्रेशन कहा जाता है। अगर हम ऐसे कोई फील्ड डिफाइन करना चाहते हैं हमारे वेब पेज के अंदर, ऐसी कोई फील्ड हम जनरेट करना चाहते हैं ईमेल आईडी वाली, तो हमें वहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन डिफाइन करना ज़रूरी रहता है। तो रेगुलर एक्सप्रेशन इज़ ऑल्सो सपोर्टेड बाय द XML स्कीमा, दैट इज़ नॉट सपोर्टेड बाय DTD। तो इस तरीके से यहाँ पे उसको डिफाइन करते हैं। तो जो भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है वो रेंज है 0 to 9, यानी नंबर जो है वो 0 to 9 ले सकते हो, एंड देन पैरेंथेसिस के अंदर ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 5 लिखा है तो इट इज़ द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स, ठीक है, 5 डिजिट्स ही वो एक्सेप्ट करेगा, और फिर ये पैरेंथेसिस के अंदर जो डिफाइन किया गया है वो फिर से यहाँ पे कोई रेंज दी गई है। तो ये जो चीज़ है ये हम पोस्टल कोड के लिए डिफाइन कर रहे हैं।
तो इसी तरीके से हम इसको ईमेल एड्रेसेस, पोस्टल कोड हो गया या फिर मोबाइल नंबर हो गया, तो हम वहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन डिफाइन कर सकते हैं. सो दिस विल बी हैपन इन द XML स्कीमा. सो हियर इज अगेन वन ऑफ द एडवांटेज. देन XML स्कीमा मीन्स वॉट? अगेन देर आर सम पॉइंट्स. डिफाइन एलिमेंट दैट कैन अपियर इन द डॉक्यूमेंट. डॉक्यूमेंट के अंदर हम एलिमेंट को डिफाइन कर सकते हैं, जैसे हमने एड्रेस को डिफाइन किया था. एड्रेस इज नथिंग बट अ एलिमेंट और एंटिटी. देन डिफाइन एट्रीब्यूट्स दैट कैन अपियर इन द डॉक्यूमेंट. तो उसके एड्रेस के एट्रीब्यूट्स कौन से थे? तो नेम था, कंपनी था एंड फोन नंबर था. तो ये उसके एट्रीब्यूट्स भी हम डिफाइन कर सकते हैं. डिफाइन विच एलिमेंट्स आर चाइल्ड एलिमेंट. डिफाइन द ऑर्डर ऑफ द चाइल्ड एलिमेंट्स. तो हियर इज अगेन वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ XML स्कीमा. तो यहाँ पे हम पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर सकते हैं. सो पेरेंट एलिमेंट कौन सा है, उसके चाइल्ड्स एलिमेंट्स कौन से हैं, तो एक हेरार्ची भी हम यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं. डिफाइन द नंबर ऑफ चाइल्ड एलिमेंट. नंबर ऑफ चाइल्ड एलिमेंट डिफाइन कर सकते हैं. डिफाइन वेदर द एलिमेंट इज एम्प्टी और कैन इंक्लूड सम टेक्स्ट. डिफाइन डेटा टाइप्स फॉर एलिमेंट्स एंड एट्रीब्यूट्स. एंड डिफाइन डिफॉल्ट एंड फिक्स वैल्यू फॉर द एलिमेंट्स एंड एट्रीब्यूट्स. सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैसिलिटीज आर गिवन इन द XML स्कीमा. तो XML स्कीमा में ये अलग अलग फैसिलिटीज दी गई है जो कि हमने DTD में नहीं देखी थी. देन कम टू द सिंटैक्स. सिंटैक्स क्या है उसका? यू नीड टू डिक्लेयर द स्कीमा इन द XML डॉक्यूमेंट एज फॉलोज. सो हियर इज द XML स्कीमा. तो यहाँ पे ये XML फाइल ही है हमारी. ये जो आपको डिक्लेरेशन दिख रहा है फर्स्ट वाला, एंगल ब्रैकेट्स, ओपनिंग एंगल ब्रैकेट्स, देन क्वेश्चन मार्क, XML वर्जन इज 1.0, एनकोडिंग UTF-8. अब यहाँ पे थर्ड जो हमारा पैरामीटर था वो यहाँ पे डिफाइन नहीं किया गया है. थर्ड पैरामीटर हमारा था एस और नो, वो पैरामीटर था कल के एग्जाम्पल में. देर इज अगेन वन ऑफ द पैरामीटर स्टैंड अलोन. ओके, स्टैंड अलोन पैरामीटर इज बेसिकली यूज फॉर DTD फाइल. तो इवन योर DTD फाइल इज एक्सटर्नल, देन स्टैंड अलोन इज द स्टैंड अलोन इज नो. एंड इफ योर DTD इज इंटरनल, देन स्टैंड अलोन इज एस. ओके, तो ये एक पैरामीटर था जो हमने यहाँ पे नहीं डिफाइन किया है, क्योंकि हम यहाँ पे XML स्कीमा डिफाइन करना चाहते हैं. देन नेक्स्ट डिक्लेरेशन क्या है? XS:schema, यानी XML फाइल है ये. ठीक है, XML फाइल है. तो XS:schema, XML NS:XS, एंड यहाँ पे हम यहाँ पे एक पाथ दे रहे हैं स्कीमा का. तो जो भी हमारी एक्सटर्नल स्कीमा फाइल होंगी वो यहाँ पे हम इसमें इंपोर्ट कर रहे हैं. देन वी डिफाइन द एलिमेंट्स. XS:element नेम. नेम क्या है उसका? कॉन्टैक्ट. तो कॉन्टैक्ट एक एलिमेंट हम डिफाइन कर रहे हैं. देन वी डिफाइन द टाइप्स उसका. उसका टाइप्स हम डिफाइन करेंगे अभी इसके अंदर. XS कॉम्प्लेक्स टाइप, उसके अंदर सिक्वेंसेस. अब सिक्वेंसेस के अंदर क्या आएंगे? उसके एट्रीब्यूट्स, अलग अलग एट्रीब्यूट्स आएंगे. तो XS:sequence ओपनिंग एंड क्लोजिंग. तो ये दोनों के बीच में आपको यहाँ पे एट्रीब्यूट्स दिखेंगे कॉन्टैक्ट के. तो कॉन्टैक्ट इज द एलिमेंट, और इस एलिमेंट के एट्रीब्यूट क्या क्या है? तो नेम है, कंपनी है एंड फोन नंबर है. ओके, इट इज़ अगेन सिमिलर टू DTD फाइल. DTD फाइल में भी हमने इसी तरीके से किया था. इंस्टेड ऑफ XS:element यहाँ पे, वहाँ पे क्या था? एक्सक्लेमेशन साइन. ठीक है, वहाँ पे हमने क्या दिया था? एंगल ब्रैकेट में एक्सक्लेमेशन साइन एंड एलिमेंट लिखा था. उसके बाद हमने एट्रीब्यूट नेम लिखा था, और उसके बाद हमने PC डेटा करके डेटा टाइप डिफाइन किया था. अब XML स्कीमा में हम इस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं. XS:element, देन नेम ऑफ द एट्रीब्यूट इज इक्वल टू नेम, एंड उसका डेटा टाइप क्या है? तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, XS:string, बिकॉज नेम इज द स्ट्रिंग टाइप ऑफ डेटा. कंपनी इज अगेन स्ट्रिंग टाइप ऑफ डेटा, तो इसका भी डेटा टाइप स्ट्रिंग है. एंड फोन ऑफ इंटीजर टाइप डेटा, तो XS:integer. तो इस तरीके से यहाँ पे डिफरेंसेस आपको दिख रहे होंगे कि हमने जो कल जो DTD फाइल ली थी उसमें भी हमने सिमिलर एलिमेंट्स डिफाइन किए थे. एड्रेस था वहाँ पे, सो इंस्टेड ऑफ दिस हमने कॉन्टैक्ट लिया है यहाँ पे, और उसके एट्रीब्यूट्स सिमिलर थे, नेम, कंपनी और फोन. बट वहाँ पे हमने डेटा टाइप जो है वो कॉमन रखा था, PC डेटा, जो टेक्सचुअल डेटा रहता है. अब ये हमारी इंटरनल स्कीमा है जो हम XML फाइल के अंदर डिफाइन कर रहे हैं.
देन क्लोजिंग टैग ऑफ एक्सेस कॉम्प्लेक्स टाइप, ठीक है, ये क्लोजिंग टैग हो गया उसका, और फिर एलिमेंट का क्लोजिंग टैग। तो यहाँ पे एलिमेंट ये यहाँ से जो स्टार्ट हो रहा है ये पूरा क्या है आपका XML स्कीमा है, और XML स्कीमा का डिक्लेरेटिव टैग कौन सा है तो ये है, ओके, और ये XML फाइल का डिक्लेरेशन टैग है। सो इस तरीके से XML स्कीमा रिप्रेजेंट किया जाता है। देन प्रेजेंटिंग XML, XML प्रेजेंटेशन टेक्नोलॉजी डेटा टेक्नोलॉजीज डेटा इज स्टोर्ड इन XML डॉक्यूमेंट बाई यूजिंग एलिमेंट एंड एट्रीब्यूट्स। सो हमने यहाँ पे देखा कि जो भी XML डॉक्यूमेंट के अंदर हम जो भी डेटा डिस्क्राइब करना चाहते हैं उस वो एलिमेंट्स और उसके क्या क्या एट्रीब्यूट्स है उस हिसाब से हम उसको डिफाइन करते हैं XML डॉक्यूमेंट के अंदर। XML फोकस ऑन द डेटा स्टोरेज नॉट प्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा। सो हियर इज अगेन वन ऑफ द एडवांटेज, ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी ज़रूरी है कि XML फाइल हमेशा फोकस करता है डेटा स्टोरेज के ऊपर, यानी डेटा को डिस्क्राइब कर रहा है, मीन्स डेटा स्टोरेज कर रहा है, उसका प्रेजेंटेशन नहीं कर रहा है। प्रेजेंटेशन हमने किसके थ्रू देखा था, प्रेजेंटेशन हमने इसके पहले जो टॉपिक लिया था HTML वाला, ठीक है। HTML हम यूज़ करते हैं डेटा प्रेजेंटेशन के लिए, XML ओनली फोकस्ड ऑन द डेटा स्टोरेज। रेंडरिंग रेफर्स टू द एक्ट ऑफ प्रोसेसिंग XML डॉक्यूमेंट सो दैट इट कैन बी डिस्प्लेड ऑन द वेराइटी ऑफ टारगेट्स सच एज वेब ब्राउजर, ईमेल पेजर्स एंड सेल फोन्स। XML प्रेजेंटेशन टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड द मॉड्यूलर वे टू डिलीवर एंड डिस्प्ले द कंटेंट टू द वेराइटी ऑफ डिवाइसेज। हियर वी एग्जामिन सम टेक्नोलॉजीज फॉर डिस्प्ले इंक्लूडिंग CSS कास्केडिंग स्टाइल शीट, XSL ये भी कास्केडिंग स्टाइल शीट है, देन एक्स फॉर्म्स एंड वॉइस XML। तो जनरली अगर हम ये फाइल्स देखते हैं CSS फाइल या एक्स फॉर्म्स या वॉइस XML, तो आपको ये पूरी फाइल्स जो है वो XML फॉर्मेट में दिखेंगी। विजुअल प्रेजेंटेशन ऑफ एनकोड डॉक्यूमेंट रिक्वायर्स द यूज ऑफ स्टाइल शीट और अदर कन्वर्जन प्रोग्राम। एक्सटेंसिबल स्टाइल शीट लैंग्वेज XSLT, ये जो लैंग्वेज है स्टाइल शीट वाली, सो उसका लॉन्ग फॉर्म क्या है, एक्सटेंसिबल स्टाइल शीट लैंग्वेज फॉर ट्रांसफॉर्मेशन वॉज डेवलप टू ट्रांसफॉर्म XML एनकोडेड डॉक्यूमेंट इन टू द न्यू फॉर्म। इट इज थ्रू द ट्रांसफॉर्मेटिव कैपेबिलिटीज ऑफ एन XSLT स्टाइल शीट्स दैट XML डॉक्यूमेंट कैन अचीव देयर ग्रेटेस्ट पोटेंशियल। तो अगर हमें XML फाइल पे कास्केडिंग स्टाइल शीट अप्लाई करनी है तो इस केस में हम ये XSTL फाइल क्रिएट करते हैं, कास्केडिंग स्टाइल शीट। कास्केडिंग स्टाइल शीट क्या होता है कि हियर वी हैव डिफाइंड सम डिफरेंट फॉन्ट्स एंड डिफरेंट यूज़र डिफाइन, अगर मुझे कुछ पर्टिकुलर थीम्स वगैरह अप्लाई करनी है वेब पेज के अंदर कि मेरा हेडिंग इतना ही होना चाहिए, उसका कलर ये होना चाहिए, बैकग्राउंड कलर मेरे वेब पेज का ये होना चाहिए, अगर मैं वहाँ पे कुछ मास्टर पेज अप्लाई करती हूँ तो हेडर जो है हेडर का पोर्शन कुछ अलग से दिखना चाहिए, फुटर का पोर्शन अलग से दिखना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड में कुछ अलग चीज़ें डिस्क्राइब होनी चाहिए राइट हैंड साइड में, और नीचे जो बीच में जो कंटेनर है उसमें एक्चुअल जो कोडिंग हो रही है वो होनी चाहिए। तो अगर मैं इस तरीके का कुछ विजुअलाइज कर रही हूँ मेरा वेब पेज, तो वो वेब पेज में कास्केडिंग स्टाइल शीट में कन्वर्ट करके उसको एज अ थीम में अप्लाई कर सकती हूँ वेब पेज के ऊपर, यानी XML फाइल के ऊपर। तो उसके लिए हम कास्केडिंग स्टाइल शीट जनरली यूज़ करते हैं। तो ये XML फाइल के लिए XSLT फाइल, एक्सटेंसिबल स्टाइल शीट लैंग्वेज फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, ये फाइल हम डेवलप करते हैं जो कि कास्केडिंग स्टाइल शीट फाइल होती है। प्रेजेंटिंग XML विथ XSTL। XML encode document by itself is merely a data storage medium that is not intended for direct use. तो generally XML file जो है वो data storage के लिए use किया जाता है। XML describe the document in just as a little or much detail as needed and a document in XML should only need to encoded one time. Subsequent changes to the document should be accomplished with the style sheet. Simply put, XML tells the document what it is but not what to do. While style sheets contain instruction about how the XML document should be organized for display.
तो व्हाट इज़ द डिफरेंस? डिफरेंस दिया है यहाँ पे कि एक्सएमएल डॉक्यूमेंट, एक्सएमएल डॉक्यूमेंट में जनरली क्या रहता है। तो एक्सएमएल डॉक्यूमेंट में एक्चुअल डेटा स्टोरेज रहता है, तो उसमें सिर्फ डेटा से रिलेटेड ही टैग्स रहेंगे, या आपके एलिमेंट्स क्या है, उसके एट्रीब्यूट्स क्या है, उसका टाइप क्या है, यही डिफाइन किया रहेगा। बट अगर मुझे उसको रिप्रेजेंट करना है, उसकी हायरार्की मुझे रिप्रेजेंट करनी है वेब फॉर्म में, तो उसके लिए मुझे स्टाइल शीट अप्लाई करना ज़रूरी है। तो स्टाइल शीट यानी XSLT। तो XSLT स्टाइल शीट्स टेल द XML डॉक्यूमेंट हाउ टू फंक्शन। दे परमिट वन टू चेंज द स्ट्रक्चर एंड अपियरेंस ऑफ द XML डेटा विदाउट नीड टू चेंजिंग द XML एनकोडिंग इटसेल्फ। तो XML डॉक्यूमेंट के अंदर आपने जो भी डेटा स्टोरेज किया है या जो डेटा डिस्क्राइब किया है, उस पर हमें उसको हमें डिस्टर्ब नहीं करना है। सिर्फ उसका अपियरेंस या उसका रिप्रेजेंटेशन जो भी होगा वेब पेज के अंदर, उसका अपियरेंस हमें चेंज करना है। दैट्स वाई वी यूज़ XSLT फाइल ऑन XML फाइल, यानी कैस्केडिंग स्टाइल शीट हम अप्लाई करेंगे। XML डॉक्यूमेंट कैन बी रेडीली अल्टर्ड एंड डिफरेंट पर्पजेज बाई चेंजिंग द XSLT स्टाइल शीट्स, और स्टाइल शीट्स मेनी ऑफ देम कैन बी अटैच टू वन XML डॉक्यूमेंट एट वंस। दे कैन ऑल्सो एड न्यू कंटेंट टू द ओरिजिनल XML सोर्स डॉक्यूमेंट। XSLT स्टाइल शीट्स कैन कॉम्प्लीमेंट स्टाइल कास्केडिंग स्टाइल शीट्स। तो कास्केडिंग स्टाइल शीट्स का ही ये कॉम्प्लीमेंट है, बिकॉज इसको XSLT इसलिए कहा गया है क्योंकि ये XML फाइल पे वर्क करती है। इसलिए कास्केडिंग स्टाइल शीट HTML पे वर्क करती है, ASP पे वर्क करती है, ठीक है। वहाँ पे भी हमने यही देखा है कि हमें अगर उसका अपियरेंस चेंज करना है, जैसे हमने एक HTML वेब पेज बनाया है, उसमें हमने कंट्रोल्स डाले हुए हैं, लेबल्स डाले हुए हैं, वॉट एवर। ASP एक पेज बनाया है, उसमें भी कुछ कंट्रोल्स है, लेबल्स है, बटन्स है, उसका मुझे अपियरेंस चेंज करना है, यानी मुझे बैकग्राउंड कलर जो है वेब पेज का अलग चाहिए, जो बटन्स है बटन का जो फोर कलर है या उस पर जो फॉन्ट है वो मुझे कुछ का अपियरेंस कुछ अलग चाहिए, टेक्स्ट का अपियरेंस कुछ अलग चाहिए, टेक्स्ट बॉक्स का, लेबल का अपियरेंस कुछ अलग चाहिए। अगर इस तरीके का अपियरेंस मुझे चेंज करना है, तो इंस्टेड ऑफ गो टू द प्रॉपर्टी, हर वक्त हर पेज के लिए मुझे प्रॉपर्टी पे जाना पड़ेगा, हर वक्त उसके फॉन्ट चेंज करने पड़ेंगे, देन उसका फॉन्ट साइज चेंज करना पड़ेगा, स्टाइल चेंज करना पड़ेगा फॉन्ट स्टाइल, तो ये चीज़ मुझे हर पेज पे डिज़ाइन करते वक्त करनी पड़ेंगी। सो इंस्टेड ऑफ दिस, मैं अगर एक कास्केडिंग स्टाइल शीट एक कॉमनली क्रिएट करती हूँ और वो मैं हर एक पेज पे अप्लाई करती हूँ, तो वो कॉमन थीम मेरी क्रिएट हो जाएंगी पूरे प्रोजेक्ट के लिए। सो दिस इज़ द मेन बेनिफिट ऑफ कास्केडिंग स्टाइल शीट्स। तो HTML और ASP में हम CSS फाइल क्रिएट करते हैं, वही XML में हम XSLT फाइल्स क्रिएट करते हैं, बट द फंक्शनलिटीज़ आर सिमिलर। स्टाइल शीट्स परमिट्स द मार्कअप लैंग्वेज टू बी सस्प्रेस्ड फ्रॉम पब्लिक व्यू। विद द स्टाइल शीट इट इज़ पॉसिबल टू व्यू फॉर्मेटेड टेक्स्ट विदाउट व्यूइंग द XML एनकोडिंग टैग। तो यहाँ पे हम सिर्फ अपियरेंस चेंज करते हैं XSLT स्टाइल शीट में। तो XSLT स्टाइल शीट्स, XSLT रूल्स आर सिमिलर टू द XML रूल्स। XSLT स्टाइल शीट्स मस्ट देमसेल्फ बी वेल फॉर्म्ड XML डॉक्यूमेंट, मीनिंग दैट टैग मस्ट बी क्लोज्ड, केस मैटर एंड एक्सेट्रा। तो जो भी XML के रूल है वही रूल अप्लाई होते हैं XSLT स्टाइल शीट के लिए। फिर उसका स्ट्रक्चर कैसे रहता है। द क्रिएशन ऑफ दिस स्टाइल शीट्स ऑपरेट्स ऑन प्रिंसिपल टू टेम्पलेट्स, यूजिंग द टेम्पलेट्स ऑफ डिजाइनर डिस्क्राइबिंग बाय एग्जाम्पल और मैचेज द सेक्शन ऑफ XML डॉक्यूमेंट दैट आर टू बी डिस्प्ले एंड ट्रांसफॉर्म। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे रहेगा, इट इज़ जस्ट काइंड ऑफ वन ऑफ द टेम्पलेट। ये कोई टेम्पलेट है, तो ये टेम्पलेट क्या करेगा, आपके XML डॉक्यूमेंट में क्या एलिमेंट्स है, कौन से उसके एट्रीब्यूट्स है, तो उस हर एक एलिमेंट के लिए अगर आप अपियरेंस चेंज करना चाहते हो, तो आपका एट्रीब्यूट्स या एलिमेंट यहाँ पे स्टाइल शीट में वो मैच करेगा, और उसको मैच करके वो उसको ट्रांसफॉर्म करेगा। जब भी वो उसको ओपन करेंगे उस फाइल को हम, तो वो पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए आपने क्या कास्केडिंग स्टाइल शीट में XSLT स्टाइल शीट में आपने क्या थीम अप्लाई की है या क्या अपियरेंस अप्लाई किया है, वो उस पर ट्रांसफॉर्म करके वो आपको वेब पेज पे ओपन करके देगा। सिमिलरली CSS यानी कास्केडिंग स्टाइल शीट्स भी सिमिलर वर्क करती है।
So CSS is an XML supporting technology for adding style, display the property such as font, color, spacing to the web document. CSS origin may be traced to the HTML world, which used a style sheet technology called as DSSSL to control the display of HTML document. The figure 2.10 shows the style sheet tells the browser or other display engine how to display the content. Each rule is made up of the selector, then typically an element is named as HTML heading or paragraph or XML element, book ho gaya ya fir a style to be applied to the selectors. CSS specification defines the numerous properties, color ho gaya, font ho gaya, style ho gaya, then point size ho gaya and so on. That may be defined for the element. Each property takes the value to be described how the selector should be presented. तो इस फाइल के अंदर हम क्या करते हैं, हर एक एलिमेंट के लिए उसका अपियरेंस सेट करते हैं. कास्केडिंग स्टाइल शीट होगी या फिर आइदर XSLL फाइल होगी, XSLT फाइल होगी आपकी. तो XSLT फाइल में हम जो एलिमेंट्स हमने XML फाइल में लिए हैं, जो एट्रीब्यूट्स लिए हैं, उसका हम अपियरेंस बताते हैं. और CSS फाइल के अंदर जो हमारे HTML एलिमेंट्स होंगे, जैसे हेडिंग हो गया, पैराग्राफ हो गया, उसके लिए हम अपियरेंस बताते हैं. यानी उसका कलर क्या होना चाहिए, उसका फॉन्ट क्या होना चाहिए, साइज क्या होना चाहिए, इटैलिक है, बोल्ड है, वॉट एवर, जो भी आपको अपियरेंस आप डिसाइड करते हो आपके प्रोजेक्ट के लिए, वो अपियरेंस हम वहाँ पर सेट करते हैं. देन डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ये हम कर लेंगे डॉम. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे. Thank you.